बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, विडो पेंशन बहाल करो, बहाल। स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, टोल प्लाजा का मुद्दा है, कहाँ बीजेपी और आरएसएस कहती थी कि हमारे यहाँ पे जजिया लगता है, आज खुद जजिया लगा रही है हमारी श्राइन्स के ऊपर, चाहे वो वैष्णो माता है, चाहे वो जो है अमरनाथ यात्रा है। तो मैं समझता हूँ कि ये आज उनके दोहरा मापदंड जो है वो सामने आ गया, और जो बीजेपी है ये मुंह में राम राम और बगल में छुरी वाली पार्टी है। कांग्रेस की लीडरशिप, विकास सिंह साहब की लीडरशिप में जम्मू कश्मीर के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठा यहाँ पे हुए, रोष रैली थी, आक्रोश रैली थी, लोगों में गुस्सा बहुत है कि जल शक्ति विभाग के माध्यम से जो घोटाला सामने आया, किसी आम आदमी ने, किसी आईएएस अफसर ने कहा, जो मौजूदा इस सरकार में यहाँ पे है और सरकार खामोश है, अपनी पीठ खुद ही थपथपाती है, विश्वास तब होगा कोई सीबीआई जांच यहाँ पे करे। और इसके साथ टोल प्लाजा हटाने की बात है, गवर्नर साहब बोलते हैं 2 दिन के अंदर समाधान यहाँ पे हो जाएगा, स्मार्ट मीटर की बातें हैं, और यहाँ पे टोल टैक्स के साथ साथ नौजवानों का जो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, बहुत सारे मुद्दे हैं महंगाई के साथ साथ। आज प्रॉपर्टी टैक्स को लेके आज जनता सड़कों पे उतरी है और कम से कम इसकी मांग भी करती है कि हमें फौरी तौर पे रियासत का दर्जा वापस दे दो। आपने सेशन लगाया था, हमें उम्मीद थी कि हमें रियासत का दर्जा वापस मिलेगा, लेकिन सांप सूंघ जाता है भाजपा के लोगों के, डबल प्रशासित प्रदेश जो है, जो आज उनकी पोल खुल के रह गई है कि स्मार्ट मीटर के साथ टोल प्लाजा प्रॉपर्टी टैक्स हर जगह पे टैक्स वसूलने का काम किया। लोग जनता में गुस्सा है, उसकी रहनमई उनके जज्बात की तर्जमानी करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता विकास सिंह साहब की लीडरशिप के नीचे सड़कों पे यहाँ पे उतरे हैं। टोल टैक्स बंद करो, विधवा की पेंशन बहाल करो, विधवा की पेंशन बहाल करो, स्मार्ट मीटर वापस लो, प्रॉपर्टी टैक्स वापस लो। जी आज का ये जो प्रोटेस्ट है ये कांग्रेस पार्टी में वकार सुलवानी हमारे प्रेसिडेंट, वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी की अध्यक्षता में किया जा रहा है। जो भी जन विरोधी नीतियाँ भाजपा ने लगाई, चाहे वो प्रॉपर्टी टैक्स था, चाहे वो स्मार्ट मीटर था, आपको सब पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया जो कि कॉरपोरेशन के थ्रू जाना था, लेकिन इन्होंने खुद ही अनडेमोक्रेटिक एथिक्स और अनडेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को अपनाते हुए वो भी इन्होंने लगाया। और आज महंगाई की जो है, महंगाई चरम सीमा पर है, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया, ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा दिया, उसको प्रीपेड मीटर में कर दिया, आज महंगाई जो है वो अपनी चरम सीमा पर है, एक आम इंसान का जो गुजारा है वो मुश्किल है। और ऊपर से बहुत ही शर्मनाक बयान आता है कि 80% हमारे जो लोग जम्मू के, हमारे जम्मू कश्मीर के लोग बेशक भोले हैं, जम्मू के लोग बेशक कहते हैं खंड मीठे लोग डोगरे, लेकिन आप इतना भी उनको बेवकूफ़ मत बनाइए कि आज आप एक नेशनल चैनल पे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव नहीं चाहते। 80% जम्मू की जनता चुनाव नहीं चाहती, जम्मू की जनता वो जनता है जो ईश्वर पर विश्वास रखती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास रखती है, जो डेमोक्रेसी में विश्वास रखती है। आप हमारे एक डेमोक्रेटिक नेशन में आपको ऐसा बयान देते हो भी शर्म आनी चाहिए कि 80% लोग जो है चुनाव नहीं चाहते, इसकी भी हम जो है निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं। और आज जो जन, अगर आज जम्मू के अपने लोग जो है पदों पर होते तो आज वो लोगों के हित में, आज आपने गरीबों की पेंशनें बंद कर दी, विधवाओं की पेंशनें बंद कर दी, शायद को जम्मू के लोग होते तो उनका कलेजा कांपता ऐसी नीतियां लगाने में, लेकिन ये बाहर से आके और आप पूरे देश को, पूरे विश्व को गुमराह कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग जो है इलेक्शन नहीं चाहते, चुनाव नहीं चाहते, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की ओर से, महिला कांग्रेस की ओर से, जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट उनकी ओर से, रमन भल्ला जी की ओर से प्रोटेस्ट किया गया, जिससे हम जो जन विरोधी नीतियाँ भाजपा अपना रही है उसकी कड़ी निंदा करते हुए हमने ये प्रोटेस्ट किया। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा, ये हमने प्रोटेस्ट किया महिला की तरफ से किया हुआ है। और देखिए हमारे जम्मू के हालात इतने बुरे हैं, लोग इतने परेशान हैं, पब्लिक इतनी ज़्यादा परेशान है कि हमारे एलजी कहते हैं कि जम्मू के लोग बहुत खुश हैं, आप उनकी खुशी देख रहे हैं। हमारा तो सब कुछ, जम्मू के लोगों का सब कुछ लूट लिया गया हो, जैसे लोग अपने आप को गिल्टी फील कर रहे हैं। महंगाई की इतनी मार है कि आप देखो, ये मैंने हार डाला हुआ है ये आपके सामने, हर चीज़ इतनी महंगी है। ये 160 रुपये किलो फ्राश बीन बेच रहे हैं, 200 रुपये किलो मटर बेच रहे हैं, बाकी मैं आपने सब देख लिया, जिन बाकी आप सब देख रहे हैं जो हमारा गैस सिलेंडर है उसकी कीमत क्या है, तेलों की क्या है, बाकी चावल, कोई मेहमान आ जाता, लोग इतने परेशान हैं। देखिए टोल टैक्स से परेशान, बिजली बिल से परेशान, हर चीज़ से परेशान, लोग इतने, लोगों के बच्चे बेरोजगार हैं, डेली वेजर दर बदर है, बाहर के लोग जो आए हुए लोग वो सेटल हैं, जम्मू का डोगरा रो रहा है,
बाहर के लोगों को यहाँ पे सेटल किया जा रहा है एलजी साहब ने, और जम्मू का डोगरा खजल हो रहा है, दर बदर है। जो डेली वेजर के हमारे 300 रुपये दिहाड़ी मिलती है और बाहर के 800 रुपये दिहाड़ी लेते हैं, और जम्मू के डोगरे, जम्मू के लोग इतने परेशान हैं, हमारी स्टेट को इन्होंने इंतहा लूट लिया हुआ है, और लोग जहाँ जाए लोग बेरोजगार दर बदर है, और लोग डिप्रेशन में है। आज का यूथ बेरोजगार है, डिप्रेशन में है, और चिट्टे नाना क्या 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 खा रहा है और दर बदर है। मैं कहती हूँ इस एल जी को जहाँ से वापस जाना चाहिए और सरकार को जड़ से फेंक देना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। जी जी, ऐसे उनको कोई याद नहीं आता। अब उन्होंने वोट लेने हैं, अब लोगों को सफाई दिखानी है कि हम 200 रुपये, जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकार है उधर पहले ही 500 रुपये सिलेंडर है। राजस्थान में, बाकी हिमाचल में हमारे पहले ही 500-500 के सिलेंडर जा रहे हैं। जहाँ जहाँ हमारी सरकार है वहाँ सिलेंडर सस्ते हैं। ये इनका यही जम्मू को लूटना चाहते हैं, ये डोगरा ख़त्म करना चाहते हैं, ये बाहर की स्टेटों के लोगों को बसाना चाहते हैं, ये हमें धोखा देना चाहते हैं। जम्मू के लोग इनोसेंट लोग हैं, बेचारे परेशान हैं, वो क्या करें। दर बदर, जगह जगह, घर घर लोग रो रहे हैं। लोग इतने जो बिल है वो दे नहीं सकते। वो मैंने आपको बोला डेली वेजरों की क्या हालत है। हमारे इधर उनको 300 रुपये दिहाड़ी दी जाती है, वो बेचारे अपने घर परिवार कैसे पालेंगे और बिल कैसे देंगे। टोल टैक्स देखिए आप, टोल टैक्स इन्होंने इतने लगा के रखे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स भी लगा दिया है, और पानी का बिल भी, आप पता नहीं और कितने कितने, किस तरह से इन्होंने एलजी साहब ने किस तरह से लोगों को लूटना है। वो चाहते क्या है हमारे स्टेट से। हम तो ये कहते हैं एलजी साहब, आप कहते हैं कि जम्मू के लोग खुश हैं, जम्मू के लोग आपसे बहुत दुखी हैं, प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए और आप यहाँ से जाइए। बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, विडो पेंशन बहाल करो, बहाल।